हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे और वो भी पूरे डिटेल में। पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, उन अंगों के क्या कार्य होते हैं और कौन कौन से एंजाइम इसमें मदद करते हैं, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे ओपन माइंड चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल को, जिससे आप देख पाए न्यू वीडियो सबसे पहले। मनुष्य में पोषण मानव पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। इसमें आहार नली, जिसे हम एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं, और उससे संबंधित ग्रंथियां होती है। मनुष्य के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न अंग इस क्रम में होते हैं: मुंह, ग्रास नली या भोजन नली, जिसे हम इसोफेगस भी कहते हैं, उसके बाद पेट, छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। इस तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां निम्न प्रकार से हैं: लार ग्रंथियां या सलिवरी ग्लैंड्स, यकृत यानी कि लीवर, और अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास। मनुष्य की आहार नली मुंह से गुदा तक और करीब 9 मीटर लंबी होती है, मतलब एलिमेंट्री कैनल या आहार नली मुंह से शुरू होती है और गुदा द्वार पर जाकर खत्म होती है। अब हम मनुष्य के भीतर पाए जाने वाले मानव पाचन तंत्र में शामिल विभिन्न चरणों को समझेंगे। सबसे पहले भोजन मुंह में डाला जाता है। भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। हमारे मुंह में पाए जाने वाली लार ग्रंथियां लार बनाती है और जीभ की मदद से लार भोजन में मिलता है। लार भोजन को हमारे मुंह में गीला कर देता है और उसे आसानी से निगलने में मदद करता है। मनुष्य की लार ग्रंथि में एक एंजाइम पाया जाता है, जिसे सेलिवरी एंजाइम, लार एंजाइम या सेलिवरी एमिलेस कहते हैं। ये सेलिवरी एमिलेस दरअसल भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को पचाता है। ये लगभग 30% स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। आहार नली की दीवारों में मांसपेशियां होती है, जो बारी बारी से सिकुड़ और फैल सकती है। जब थोड़ा पचा हुआ भोजन आहार नली में पहुंचता है तो उसकी दीवारें सिकुड़ने और फैलने लगती है, और इसे क्रमिक वृत्तों में सिकुड़ने वाला गति या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, और यह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भोजन को पेट के भीतर भेजता है। पेट या आमाशय अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के आकार वाला अंग होता है, जो पेट की बाईं तरफ होता है। भोजन पेट में करीब 3 घंटों तक पीसा जाता है। इस दौरान भोजन और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और एक अर्ध ठोस पेस्ट बनता है। पेट की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियां आमाशय रस या गैस्ट्रिक जूस का स्राव करती है, और इसमें 3 पदार्थ होते हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण भोजन अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, और पेप्सिन जो एक एंजाइम होता है, भोजन को छोटे छोटे कणों में बनाने के लिए भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू हो जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? पहला, यह पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय बनाता है ताकि वह प्रोटीन का पाचन शुरू कर सके। दूसरा, यह भोजन के साथ पेट में पहुंच सकने वाले किसी भी बैक्टीरिया को मार देता है। आमाशय रस में पाए जाने वाले तीसरे प्रकार का रस होता है म्यूकस। ये म्यूकस क्या काम करता है? म्यूकस पेट की दीवारों को उसके खुद के द्वारा स्रावित किए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है, नहीं तो इस एसिड से पेट में अल्सर बन सकता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन पेट से छोटी आंत में जाता है।
पेट से निकलने वाले भोजन रंध्र संकोचक पेशी या स्फिंक्टर मसल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह पेशी छोटी मात्रा में भोजन को छोटी आंत में भेजती है। छोटी आंत आहार नली का सबसे बड़ा हिस्सा है। एक वयस्क पुरुष में लगभग करीब 6.5 मीटर लंबी होती है, लेकिन बहुत पतला होने के कारण इसे हम छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत हमारे पेट में एक कुंडल के रूप में व्यवस्थित होती है। मनुष्यों में छोटी आंत भोजन के संपूर्ण पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का स्थान होती है। छोटी आंत दो ग्रंथियों के स्राव को प्राप्त करती है। पहला तो है यकृत या लीवर और दूसरा है अग्नाशय या पैंक्रियास। यकृत या लीवर पित्त रस का स्राव करता है। पित्त हरापन लिए पीला तरल होता है जो यकृत में बनता है और आमतौर पर पित्ताशय में या गॉल ब्लैडर में जमा होकर रहता है। यह पित्त क्षारीय प्रकृति का होता है और इसमें लवण होते हैं जो भोजन में मौजूद वसा एवं लिपिड को रासायनिक रूप से तोड़ने में मदद करता है। यह पेट से आने वाले भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशय या पैंक्रियास उस पर अपना काम कर सके। साथ ही साथ यह भोजन में मौजूद वसा को भी छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम को उन पर काम करने में और पचाने में आसानी होती है। अब जानते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय बड़ी पत्ती के आकार जैसी ग्रंथि होती है जो आमाशय के समानांतर और उसके नीचे होती है। अग्नाशय या पैंक्रियास अग्नाशय रस का श्रावण करती है, जिसमें एमिलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे पाचक एंजाइम होते हैं। एमिलेज स्टार्च को तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज रासायनिक रूप से टूट चुके वसा को और तोड़ता है। छोटी आंत की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियां भी आंत रस का श्रावण करती है। इस आंत रस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में और वसा को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में पूर्ण रूप से तोड़ते हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल छोटे पानी में घुलनशील कण होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पाचन में बड़े और छोटे अघुलनशील भोज्य कण छोटे तथा पानी में घुलनशील कणों में बदल जाते हैं। अब होता है अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। पाचन के बाद भोजन के कण छोटे हो जाते हैं और छोटी आंत से होते हुए हमारे रक्त में पहुंचते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि छोटी आंत पचाए हुए भोजन के अवशोषण का मुख्य क्षेत्र है। छोटी आंत की भीतरी सतह में लाखों उंगलियों जैसे प्रक्षेपण होते हैं जिन्हें हम विली कहते हैं। ये अवशोषण के लिए बड़ा सतह या क्षेत्र प्रदान करता है और पचा हुआ भोजन यहीं से होता हुआ हमारे रक्त में चला जाता है। अब रक्त पचाए हुए और घुले हुए भोजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है, जहां यह कोशिका के रूप में समावेशित होता है। शरीर की कोशिकाएं समावेशित भोजन का प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने के साथ साथ शरीर के विकास और मरम्मत के लिए भी करती है। अपचा भोजन यकृत में या लीवर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा हो जाता है, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं और जरूरत पड़ने पर शरीर इसका उपयोग करता है। लेकिन हमारे द्वारा खाए गए भोजन का वह हिस्सा जिसे हमारा शरीर पचा नहीं सकता, यह अनपचा भोजन छोटी आंत में अवशोषित भी नहीं हो सकता। तो इसलिए अनपचा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत की दीवारें इस भोजन में से ज्यादातर पानी को सोख लेती है और उसे ठोस बना देती है। बड़ी आंत का अंतिम अंग
जिसे रेक्टम कहते हैं, इस अनपचे भोजन को कुछ समय के लिए भंडार करके रखता है और अंत में गुदा द्वारा यह हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को मल त्याग कहते हैं। भोजन का पाचन हमारे शरीर में कैसे होता है? ऐसे ही और ज्यादा ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी जरूर दबाइए। न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिए गए लिंक्स को क्लिक कीजिए और हमारे वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।